शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वकील साहिबा, मुझे धोखा देकर मेरे पैसे लेकर। तुम्हारे पैसे मेरे पास नहीं है। अपनी हवस के शैतान पर तुमने जिस सावित्री देवी को बलि चढ़ा दिया, मैंने तुम्हारे सारे पैसे उनके बच्चों के नाम फिक्स डिपॉजिट में रखवा दिए। दुनिया की किसी भी अदालत में तुम्हारा मुकदमा पेश होता, वो तुम्हें सजा देती, लेकिन कोई भी अदालत सावित्री देवी के अनाथ बच्चों की परवरिश नहीं करती। हो सकता है कल वो हालत से मजबूर होकर चोर बन जाएं, गुमराह हो जाएं। इसलिए कल समाज में दो चोर दो मुजरिम और ना पैदा हो, मैंने आज ही तुम्हारे पैसे से उन्हें गुमराही के रास्ते से रोक लिया, उनके भविष्य को बचा लिया। और अब अपने भविष्य की चिंता कीजिए वकील साहिबा, मुझे हथकड़ियां लगवा कर जेल के काल कोठरी में पहुंचाकर अपना सर फख्र से ऊंचा मत कीजिएगा। मैं वापस तो जरूर आऊंगा, सिर्फ मेरे वापस आने का इंतजार कीजिएगा, फिर देखना तमाशा। चला। मैंने सोचा 3 साल की कड़ी सजा के बाद ठक्कर अपने किए पर पछताएगा, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करके सीधे रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेल की कड़ी सजा ने उस गुनाहगर के जहर को और भी गड़ा कर दिया। एक दिन वो जेल से खतरनाक जहरीले सांप की तरह निकला, बदले की आग मन में लेकर मेरे घर आया। वो दिवाली की रात थी। अरे वाह, ये क्या? ये इंसाफ की मूर्ति है। इस इंसाफ की देवी ने जिसने मेरे बेटे को जन्म दिया है, उसे आज दिवाली के मौके पर इंसाफ की देवी का लॉकेट तोहफे में देना, ताकि बड़ा होकर वो भी अपनी माँ की तरह सच्चाई के रास्ते पर चले, इंसाफ का साथ दे और जुल्म के सामने कभी अपना सर न झुकाए। इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सिकंदर लाल ठक्कर जेल से वापस आ गया है। अब न ये सर उठाने के काबिल रहेगा और न सर झुकाने के काबिल रहेगा, क्योंकि आज के बाद इसका सर ही नहीं रहेगा। छीन लो इस बच्चे को। घड़ी देख लीजिए, उस रात की तरह इस वक्त भी 8:40 हुए हैं। अगर इस बार तुम मुझे जेल भिजवा कर दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। चलो। और इस तरह कानून और समाज से वफादारी करते हुए मैंने अपना पति खो दिया, अपना 1 साल का बेटा गवा बैठी जिसका आज तक कोई पता नहीं चला, और फिर औलाद की जगह अपनी गोद में कानून और इंसाफ की परवरिश करने लगी। मन में उठती औलाद की याद को लोरिया सुना सुना कर सुलाती रही, अकेले में अन्याय और जुल्म पर हंसू बहाती रही। एक वकील होते हुए, कानून की रक्षक होते हुए भी मैं उस राक्षस सिकंदर लाल ठक्कर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, उसे कोई भी सजा नहीं दिलवा सकी। तुम, हाँ विश्वा तुम, अगर तुमसे हो सके तो उन दरिंदों को सबूत और गवाहों के साथ अदालत में घसीट कर लाना और उन्हें उनके गुनाहों की सजा जरूर दिलाना। और अगर सबूत ना भी मिले तो भी मैं मासूमों की जिंदगी को ठोकर मरने वाले उस ठक्कर को नहीं छोड़ूंगा। जा साहिबा, आपकी आंखों से आंसुओं के सैलाब बहाने वाले और मेरी आंखों में रश्ता की तरह चुपने वाले उस सिकंदर लाल ठक्कर से कहूंगा कि जिंदगी की घड़ियां गिनना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी गुनेगार जिंदगी के दिए में पाप का तेल खत्म हो चुका है। विश्वा, ये लॉकेट तेरे बचपन की निशानी है, इसे संभाल कर रखना बेटा। मेरा समय पूरा हो चुका, सुन।
आज से 10 बरस पहले की बात है। बेटे, तुझे दिवाली का तोहफा समझकर मैंने अपने गले से लगा लिया और अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ तेरी परवरिश की। अब अपनी बेटी लक्ष्मी को तुझे सौंप कर जा रहा हूं। अब तू ही इसका सब कुछ, इसका ध्यान रखना। विश्व इस केस की कार्रवाई पूरी होने तक श्रीमती शारदा देवी किसी भी हालत में इस शहर की सरहद के बाहर नहीं जा सकती। इसी कंडीशन की बुनियाद पर श्रीमती शारदा देवी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। मेरे मुन्ना का है, मेरे बच्चे का है। कौन लाया इसे, किसने रखा इसे? माँ के प्यार को जो पा ना सका उस बेटे ने रखा है। माँ की ममता को जो तरसता रहा उस बेटे ने रखा है। गरीबी और मुफलिसी की आग में जल जल कर अपने आप बड़े होने वाले गुमनाम बेटे ने रखा है। इसका मतलब अगर वो बदनसीब औरत तुम हो जो अपनी कोख से पैदा होने वाले बेटे को लोरी का करसुला ना सकी, तो इतने बरसों तक मां के प्यार और उसकी ममता के लिए तड़प तड़प कर जिंदा रहने वाला वो बदकिस्मत बेटा मैं हूं। एक नन्ही सी जान की परवाह ना करते हुए उन राक्षसों ने उसकी जान लेनी चाहिए, लेकिन भगवान की यह मर्जी नहीं थी, इसलिए वो बच्चा जिंदा रहा जिसे एक नेक दिल इंसान ने अपने हाथों से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। मां, इतना बड़ा कर दिया। हाँ, बेटा। मां, मेरा मुन्ना। मां, बेटे, मैंने आज तक जिस न्याय देवता पर भरोसा किया था, जिस धर्म देवता पर विश्वास किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे एक दिन मेरा बेटा वापस दे देगा। मैं आज तक बिना किसी ख्वाहिश के एक लाश की तरह जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन आज तुझे पाकर मुझे एक नई जिंदगी मिल गई। नई जिंदगी तुम्हें नहीं मां, मुझे मिली है। आज तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं मां, उन कातिलों से अपने पिताजी के खून का बदला लेकर रहूंगा, अपनी मां के दुख और तड़प का हिसाब चुकाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दे मां कि मैं कानून की आंखों से पट्टी हटाकर उसे असली मुजरिमों की शक्ल दिखाऊं, तमाम अत्याचारों और ना इंसाफियों का हिसाब चुकाऊं। मुझे आशीर्वाद दे मां, मुझे आशीर्वाद दे। इस हाथ की रेखा तो बताती है कि आप त्रिकोण पर बलि हो जाएंगे। पिताजी, ये त्रिकोण क्या होता है? मेरा सर, यार जोशी महाराज, तुम ठीक से देखो ना यार। कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, आप हमारे हस्त ज्ञान पर शक कर रहे हैं? अरे काय का ज्ञान, कुछ आता जाता है नहीं, झूठ मूठ की श्रेणी खड़ी करके अपने आप को ज्योतिषी समझते हो। मुझे नहीं दिखा रहा अपना हाथ, छोड़ा मेरा हाथ। लाल फोन मैं नहीं उठाऊंगा, मैं नहीं उठाऊंगा। पिताजी, पिताजी, लाल वाला फोन आपका फोन। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर नहीं, ये वक्त की आवाज है। कौन कौन बोला है? तेरा दुश्मन विश्व प्रताप। कैदी विश्व, मगर तुम्हें इस फोन का नंबर मिला कहाँ से? फोन नंबर
अरे तू कब मरने वाला है ये तक मुझे मालूम है, तो फोन नंबर मालूम करना कौन सी बड़ी बात है। बेहुदा बकवास बंद करो। बेहुदा हरकतें इस वक्त तू कर रहा है ठक्कर। सुन, कुंडलियों पर विश्वास मत कर। इस वक्त तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। मैं अगर मुट्ठी खोल दूं तो तू भस्म होकर मिट्टी बन जाएगा। सावधान रहना, मैं सीधे तेरे ऑफिस में आ रहा हूं। हराम खोर, तूने मुझे फोन उठाने के लिए कहा क्यों? अजीब मुसीबत है, फोन उठाओ तो थप्पड़, नहीं उठाओ तो थप्पड़। ये किस टाइप का बाप है? इस टाइप का बाप तो मैंने सारी दुनिया में नहीं देखा। मैं नहीं उठाता। नहीं सुन, आज के बाद ये लाल फोन मैं नहीं, सिर्फ तू उठाना। और अगर कोई दूसरा उठाए तो वो कस के थप्पड़ मारना कि उसका मुंह टेलीफोन की तरह लाल हो जाए। समझ गया?